अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन प्रिज्म की एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद अनियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए बरकतों वाला रहमतों वाला साबित करे। और आज आपके सामने वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी न्यूज़ देना है कि नाइन प्रिज्म की जो पोजेशन है ये पिछले कुछ एक साल छः महीने एक डेढ़ साल से ये बड़ा एक हॉट ट्रेंड हॉट टॉपिक रहा कि नाइन प्रिज्म की जो पोजेशन के हवाले से सारे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो सेलर्स हैं जो हमारे बायर्स हैं वो काफ़ी कंसर्न थे। और इनफैक्ट DHA की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्होंने इस कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए नाइन प्रिज्म की जो पोजेशन है उसकी ओपनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया और 7 जनवरी को Q और R की पोजीशन जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई। बट ड्यू टू सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस अभी तक उसकी जो लिस्ट है जिस प्लॉट पे पोजीशन अनाउंस हो गया वो अभी तक DHA की तरफ से स्टिल अभी तक अवेटिंग है। बट DHA की जो अथॉरिटीज़ और जो उनकी प्राइम जो कमांड है उनकी तरफ से ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी ऑन द पोजीशन सेरेमनी जो Q और R की थी कि इस साल के एंड तक इंशाल्लाह इस पूरे प्रिज्म को पोजीशन अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग एक अपनी मार्केट को एसेस करते हुए या अपने एक पास्ट एक्सपीरियंस को अगर एनालाइज करें हम लोग तो अगर जो चीज़ें प्री रिक्विजिट्स हैं जो नाइन प्रिज्म की पोजीशन के हवाले से वो इस टाइम पूरा ऑलमोस्ट नाइन प्रिज्म रेडी फॉर पोजीशन है। बट अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखें कि जो 2-4 महीने में अगर किसी ब्लॉक को पोजीशन अनाउंसमेंट हो सकती है तो वो कौन से ब्लॉक होंगे आज हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मेरी वीडियोस आप जितनी भी देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइन प्रिज्म से रिलेटेड होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो नाइन प्रिज्म की ही हैं। तो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त Q और R को तो चूँकि पोजीशन अनाउंस हो चुका है तो उसके हवाले से हम लोग बात नहीं करेंगे इस वक्त। अभी जो रेडी फॉर पोजीशन ब्लॉक हैं वो हैं आपका ए ब्लॉक का कुछ पोर्शन और पी ब्लॉक पी फॉर पाकिस्तान और सी और डी ब्लॉक। अगर हम लोग अप्रोच वाइज देखें तो अगर जो बेदियां रोड वाला जो अंडर पास है और जो 9 टाउन वाली जो एंट्रेंस है जब वहाँ से आप एंटर होते हैं तो A, P, Q, C ये आपके राइट जो इमिजिएटली जैसे ही आप एंटर होते हैं तो साथ ही आपको ईजी एक्सेस पे ये वाले ब्लॉक मिलते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो अगर आप आशाना कायद वाली जो इंटरचेंज वाला जो आपकी एंट्रेंस है नाइन प्रिज्म की अगर आप वो अप्रोच यूज़ करें जो कि DHA ने एक बड़ा खूबसूरत गेट वहाँ पे तामीर किया है अगर आप वहाँ से आप एंटर होते हैं तो आपको इमीडिएटली F और H ब्लॉक जो है वो आपकी ईजी एक्सेस पर मिलते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखें वहाँ पे तो K, H और F ब्लॉक बिल्कुल इस टाइम रेडी फॉर पोजीशन है। उसमें इस टाइम मज़ीद किसी भी काम की जो है वो काम तो डेफिनेटली डेवलपमेंट जो वर्क है वो तो वक्त के साथ साथ होता रहेगा और वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बट अगर आप पोजीशन की अनाउंसमेंट की खाली अगर हम लोग उसको अगर देखें मद्देनज़र रखें तो F और H ब्लॉक को भी पोजीशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट अगर DHA पोजीशन अनाउंस करता है तो F और H को भी पोजीशन की अनाउंसमेंट हो सकती है। बाकी कुछ पोर्शन है आपके मिडिल पोर्शन भी हैं नाइन प्रिज्म में इवन कुछ ब्लॉक्स के अंदर भी कुछ लिटिगेशन वाले पैचेस हैं कुछ गांव आबाद हैं जो कि आप हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद गाँव वो तो ख़त्म नहीं हो सकते बट जो लिटिगेटेड पोर्शन है कुछ अनएक्वायर्ड लैंड है DHA की तरफ से तो वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों कुछ सालों में इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे जिन हजरात के प्लॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको भी वहाँ पे अनकरीब इंशाल्लाह पोजीशन की अनाउंसमेंट हो सकती है। और अगर इस वक्त हम लोग करंटली रेट्स की बात करें तो नाइन प्रिज्म के कुछ रेट्स हैं वो मिनिमम आपको जो कनाल का प्लॉट है वो आपको तकरीबन जो कंप्रोमाइज लोकेशन है जो इस टाइम आप किस मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी सराउंडिंग उसकी नहीं है वो तकरीबन आपको 1,80,000 से स्टार्ट हो रहा है और जो अच्छा प्लॉट है जो आउट ऑफ द बॉक्स या सुपर आउट लोकेशन का जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3,20,30,00,000 उसकी मालियत है। और इसके बिटवीन आपको डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपको डिफरेंट प्लॉट्स जो हैं वो डिफरेंट डिमांड के साथ मिल सकते हैं।
और लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्लॉट्स की सेलिंग और बाइंग के हवाले से किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 9 प्रिज्म में आपको एक बेस्ट और एक अच्छी फैसिलिटेट अच्छे तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा इंशाल्लाह। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे किसी भी वक्त मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई रियली लव टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।